हल्द्वानी में स्पा सेंटर में काम करने वाली एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी युवक मुखानी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के रहने वाली एक महिला ने हल्द्वानी के एक स्पा सेंटर के मैनेजर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। महिला की तहरीर पर स्पा सेंटर मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा कि नैनीताल रोड स्थित एक स्पा सेंटर में पिछले 2 साल से काम करती है। ऐसे में महिला का आरोप है कि स्पा सेंटर में उसका पैसा भी लगा हुआ है। इस दौरान स्पा सेंटर का मैनेजर ने उसको झांसे में लेकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर करीब 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। ऐसे में अब वो गर्भवती भी हो गई है, लेकिन अब वो शादी करने से मना कर रहा है। ऐसे में जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इस दौरान पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।